सगुण अवतार, साईं सगुण अवतार थे। इसका संकेत उन्होंने अपने प्रारंभिक काल में ही देना शुरू कर दिया था। साईं लोगों से कहते थे कि राजा अपने राज्य में मंत्री बहाल करता है ताकि जनता खुशहाल रह सके। ईश्वर भी धरती पर सद्गुरु या अवतार का अवतरण करता है ताकि प्राणियों के कष्ट और संताप दूर हों और मानवता का कल्याण हो सके। साईं कलियुग के भगवान हैं, सगुण अवतार हैं। तो आइए अब हम सगुण अवतार का गायन और पारायण करते हैं। एक दिन साईं ने कहा, सुनो ध्यान से बात, जल थल नभ में मैं रहूं सुबह शाम दिन रात, रहता देश विदेश में उपवन कानन कुंज, दसों दिशा में व्याप्त मैं ही सूरज पुंज, सीमित मैं बिल्कुल नहीं किसी क्षेत्र या ग्राम, कण कण में मैं ही बसा रहता हूँ हर धाम, छोटी काया देख कर मुझे न छोटा मान, इस विस्तृत ब्रह्मांड में व्याप्त मुझे तू जान, जन जन के कल्याण का मेरे सर पर भार, आया मानव रूप में ग्रहण किया अवतार, रंग रूप माथा मिला पाया तन आकार, निरंकार ही हो गया देखो अब साकार, धरा धाम पर आ गया करने को कुछ काम, नाम दिया देखो मुझे जगने साईं राम, राजा अपने राज्य में मंत्री करे बहाल, हर क्षेत्रों की हो सके अच्छी सार संभाल, देखभाल से कर सके चारों ओर विकास, जन जीवन खुशहाल हो रहता यही प्रयास, ईश्वर भी त्रिलोक में करता ऐसा कार्य, जिससे इस ब्रह्मांड का चलता रहे जहाज, जहाँ जरूरत है वहाँ लेता वह अवतार, काम करे कल्याण का सुखी रहे संसार, भक्तों की रक्षा करे करे जगत उद्धार, गहन तिमिर को भेदते करते बेड़ा पार, साईं नाथ ने भी लिया कलयुग में अवतार, जिनकी लीला से हुआ ईश लक्ष्य साकार, ईश लक्ष्य साकार, ईश लक्ष्य साकार।